नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की शुरुआत होते ही कावड़ यात्रा जोरों पर है। लाखों कावड़िया रोजाना हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक लगा हुआ है। कावड़ यात्रा के मद्देनजर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान को लेकर ATS की टीम को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आतंकी घटना से तुरंत निपटा जा सके। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर जनपद एक मुख्य बिंदु कहलाता है, क्योंकि यहीं से होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिव भक्त कावड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसको लेकर यहां की सुरक्षा भी अहम हो जाती है। इसी को देखते हुए 2024 के कावड़ मेले को लेकर उसे सहकुशल संपन्न कराने के लिए यहां पर ATS को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ATS की यह यूनिट मुजफ्फरनगर जनपद का हृदय स्थल कहे जाने वाले शिव चौक पर तैनात होगी, क्योंकि नगर में शिव चौक ही वह पॉइंट है जहां से अलग अलग राज्यों के शिव भक्त कावड़ी गुजरते हैं। कावड़ यात्रा चल रही है, इसके संबंध में हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान किया है। किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटना से निपटने के लिए ATS हेडक्वार्टर से ATS की स्क्वाड कमांडो टीम को डिप्लॉय करने का अनुरोध किया गया था। उसी के चलते कल ये टीम यहां पर पहुंची है। आज शिव चौक जो हमारा मेन फोकल पॉइंट है, जहां से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आदि जगहों से आने वाले सारे कावड़िया इस पवित्र स्थल पर इसकी परिक्रमा करके जाते हैं। इस एरिया को हमने ATS की कमांडो टीम को हैंडओवर किया है। अभी फिलहाल वो इसका सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और इसके बाद वो इस पूरे इलाके को कवर करके इसमें एक ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, किसी प्रकार का भी यदि कोई आतंकवादी हमला होता है तो उससे हम तत्काल निपट सके। सर, कावड़ यात्रा में सुरक्षा काफी बढ़ाई जाएगी, खुफिया विभाग से कोई किसी तरह का इनपुट आया सर? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी धार्मिक यात्रा में आतंकवादी हमले का खतरा बना रहता है और इस बार कावड़ यात्रा काफी सेंसिटिव है, तो इसीलिए पहले हमको एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 6 कंपनी PSC पहले से मिली हुई है, उसमें एक फ्लड यूनिट भी हमें मिली हुई है PSC के। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड फोर्स जो ATS की स्पॉट कमांडो टीम है, वो हमको किसी भी प्रकार के टेरर थ्रेट से निपटने के लिए दी गई है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।